मैं तो आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, आप मेरी पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं। मैं आप काम है कि आप लोगों को अनकंफर्टेबल करते हैं, आप उनसे ऐसे सवाल पूछो जिससे इंसान जानबूझ के कलेश हो, मैं किसी के बारे में कुछ बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय डायनमो और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने अपने एक्टिंग से बहुत लोगों का दिल तो जीता, लेकिन एक ऐसा किरदार निभाया जिससे उन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी बदली। तो आज हमारे साथ है निहारिका चोपड़ा, जिन्होंने फालतू का कैरेक्टर इतने बेहतरीन ढंग से निभाया है कि बहुत लोग उससे मोटिवेट हुए, इंस्पायर्ड हुए और अपने सपने देखने के लिए आजाद हुए। तो चलिए मिलते हैं उनसे। स्वागत कीजिए निहारिका चोकसे का। हेलो एवरीवन, हाय कुणाल, वेरी नाइस टू मीट यू। बहुत दिनों बाद। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। यस लेट्स गो। सो विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच निहारिका हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि जो नए लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको हमसे कुछ सीखने मिले, क्योंकि हम भी जीरो से आकर कुछ काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं देख के। तो कैसा लग रहा है आपको चैनल पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और आपके इस इनिशिएटिव में मैं पार्ट ले पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आज वीडियो चल रहा है इसलिए ये आप बोल रही है, बाकी बोलती नहीं है। नहीं, सच्ची में काफी टाइम हो गया, हमने बहुत पहले साथ में प्रोजेक्ट किया था, और इस इंडस्ट्री में इतने टाइम तक कनेक्टेड रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो आई थिंक वी आर रियल फ्रेंड्स। राइट, सो गाइज अब शुरू करते हैं। जो कॉमनली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि बहुत सी टीनेज लड़कियां हैं जो स्कूल भी कर रही है, साथ में उनको चाहिए कि वो एक्टर भी बन सके, एक्ट्रेस बन सके। तो पहले जानते हैं कि ये कौन से शहर से आए हैं, इन्होंने कैसे अपनी शुरुआत करी और कैसे ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री में। कोई नया आना चाहे तो वो कैसे ग्रो कर सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है फुर्सत से बात। अच्छा, तो okay, हमको तो कोई जल्दी नहीं है, फुर्सत है, ये इतनी फुर्सत है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो आई बिलोंग फ्रॉम बुरहानपुर, ये एमपी में एक गांव भी नहीं बोल सकती, एक छोटा सा शहर है, और वहां पर मैंने बचपन से, पता नहीं मेरा बचपन से ये सपना था, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बट सच्ची में मुझे सबसे ज्यादा पसंद लाइफ में एक्टिंग और डांस करना ही था। मतलब बचपन में भी मैं कोई शो देखती थी तो मैं पूरा रेडी होकर प्रॉपर उसी आउटफिट में एकदम वैसी एक्टिंग करना आईने के सामने, एंड मम्मी पापा इतना सीरियसली नहीं लेते थे एज यूजुअल। मतलब हमारे इंडियन पेरेंट्स अपने पढ़ाई की चीजों को लेकर दूसरी चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते, बट देन धीरे धीरे मैंने स्कूल में ड्रामाज होते थे मेरे, उसमें पार्ट करती थी, एंड मुझे लगता था सबसे एक्साइटमेंट मुझे एग्जाम की नहीं, रिजल्ट की नहीं, मुझे एक्टिंग की होती है। तो अंदर अंदर मुझे पता था मुझे यही करना है, बट इनिशियली थॉट ये था बड़े होकर हीरोइन बनूंगी, बिकॉज एक्टर आर्टिस्ट ये सब आपको नहीं पता होता, आपको बस ये पता होता है मुझे हीरोइन बनना है, बट वैसा नहीं होता, अब मुझे धीरे धीरे पता चला। तो जब मैंने बाकी शोज देखे, कलर्स पे शोज आते थे जिसमें बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स होते थे, तो मुझे लगा यार ये भी तो कर ही रहे हैं, तो मेरी एज के हैं, तो मुझे वहां से लगा कि नहीं आई कैन डू समथिंग। बट फिर अब कुछ आइडिया ही नहीं है, ना कोई पहचान का, मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है। इसके पहले आई थिंक मुंबई आई थी बहुत बचपन में बस घूमने के लिए, तो अब मैंने ढूंढा फेसबुक में कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, और अब इस प्रोसेस में बिकॉज मैं बहुत नाइव थी और न्यू थी, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। जो भी लड़का लड़की जो भी बनना चाहते हैं एक्टर, पहले तो अपने फैमिली का सपोर्ट ले लेना, बिकॉज बहुत मुश्किल है यहाँ सर्वाइव करना। मतलब आपको, हम लोगों ने इतना काम कर लिया उसके बाद भी हमें आइडिया नहीं होता नेक्स्ट काम कब मिलेगा, तो वो आप अकेले नहीं आप मैनेज कर सकते, एंड आपको मालूम है आजकल की दुनिया कैसी है। तो पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी भाग जाना घर से ना एक्टिंग करने के, एंड कॉल्स आपको ऐसे आएंगे जैसे मैं अपनी प्रोफाइल भेजती थी, अब आपको, अब तो हम चलो फिशी लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट तब नहीं पता होता, तो वो लोग एकदम आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, तुम आओ मुंबई मैं हीरोइन बनाऊंगा, तो वो आपको ऐसे फील कराएंगे कि आप सुंदर लड़की और आपसे टैलेंटेड बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको भी लगता है यार यही मेरे टैलेंट को समझ रहा है। एंड देन फिर आप ऐसे, तो रजिस्ट्रेशन फीस एक होती है, मैं बोलूंगी कुछ लोग, एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो भी मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दी थी उसके लिए, तो बट मैं कहूंगी मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड, मैंने कहूंगी सारे फ्रॉड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड, क्योंकि कोई भी आपको पहले पैसे, आपका बाद में कमीशन लेते हैं काम मिलने के बाद, बट आपको ये इंडस्ट्री में आने के लिए कोई पैसे आपसे लेता नहीं, आपको पैसे मिलते हैं, तो ये बात आप याद रख लो। तो पैसे देना अवॉइड करना, और जो लोग बोले अपने पेरेंट्स के बिना अकेली आ जाओ, तो पहले समझ जाना उन भाई साहब को उठा के ब्लॉक कर देना, बिकॉज जो सच में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ आए हो,
उनको बस आपसे एक्टिंग करानी है वहाँ पे, तो जो ये है ना कि अपनी मम्मी को मत लेकर आओ पापा, मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ हर जगह जाती है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट यही है कि इन सब चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लें। राइट, तो ये बहुत जरूरी चीज है, और पिछले वीडियो में हम ये टॉपिक नहीं उठा पाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपको कॉल आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप कल शूट पे जा रहे हो, आपको हम कॉल टाइम भेजने के लिए रेडी बैठे हैं, आप बोलेंगे भेज दो, वो बोलेंगे आप पहले पैसे भेजो क्योंकि आपका हम बनाएंगे आर्टिस्ट कार्ड। यस, तो ये वाला तो मैं बताने भूल गई। तो इंडस्ट्री में जो है एक ही आर्टिस्ट कार्ड वैलिड है, वो है सिंटा का, उसके अलावा कोई आर्टिस्ट कार्ड यहाँ पे नहीं चलने वाले है, तो आप प्लीज कहीं पे भी पैसे मत दो किसी भी एजेंसी को, किसी को भी, आपको पैसे मिलते हैं। आप स्टार्टिंग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो आपको 5,000-6,000 ऐसा पर डे बजट आपको मिलता है नए एक्टर्स को, तो आप पैसे मत दो किसी को भी। अब आगे की बात जानते हैं, आपके साथ भी हुआ है आर्टिस्ट कार्ड वाला? मेरे साथ हुआ है, मुझे एक आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, रिसेंटली है, मतलब इसके बाद तो मैंने काम भी कर लिया था मुंबई आके, उसके बाद ये मेरे साथ हुआ है कि मुझे एक शैम्पू ब्रांड के एड के लिए ही टोल्ड मी आई गॉट सिलेक्टेड। उसने प्रॉपर ऑडिशन स्क्रिप्ट भी भेजी मुझे, हाँ, कि मुझे गिमिकी ना लगे, एंड देन ही टोल्ड मी आई गॉट सिलेक्टेड, एंड देन उसने मुझसे आर्टिस्ट कार्ड मांगा। अब तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, सिंटा का कार्ड था नहीं मेरे पास, तो मैंने उसको बोला यार नहीं है मेरे पास, और मैंने कोई ऐसा भलता सा कार्ड बनवाया था, वो आता है ना शूटिंग पे आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा, वहां से मैंने एक भलता सा कार्ड बनवाया था, अब मैंने उसको भेजा, कहता ये वैलिड नहीं है, तो उसने मेरे से पैसे मांगे, और अब उसने ना रीजनेबल अमाउंट बोला 3,000। अब मैं ये नहीं बोलूंगी 3,000 बहुत छोटा या बड़ा अमाउंट है, बट मुझे लगा ठीक है यार, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि मैं मम्मी को भी लगा देकर देख ले, लग रहा था दिल में गिमी की है। जैसे 3,000 मैंने ट्रांसफर किए, भाई साहब ने मुझे कर दिया ब्लॉक। तो ये होता ही है, कई बार उनको मालूम रहता है कि शायद ये बड़ा अमाउंट ना दे, तो वो थोड़ा 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 करके सबको लूट रहे होते हैं। सो गाइस, निहारिका चौक से 2 शो लीड में कर चुकी है, रिश्ता क्या कहलाता है जैसा शो छोड़ चुकी है, तो बातों को सीरियसली लो। आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर कोई बोल रहा है ना आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, हम सबने यहाँ बहुत काम किया है, उसके बाद भी हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन दो, मॉक टेस्ट दो, 15-15 वो लुक ट्रायल्स करेंगे, देन मीटिंग्स होंगी, बजट डिस्कशन, ऐसे कोई आप किसी के बेटे तो हो नहीं कि आपको उठा के लॉक कर दे, हमारी अभी वैसी किस्मत नहीं है, हम लोग स्टार किड्स नहीं है, पर हमारे बच्चे जरूर होंगे, बट हम लोगों के साथ हमारे अलग अलग यार, यस यस एग्जैक्टली, तो हम सबके जो अपने अपने बच्चे होंगे वो स्टार किड्स होंगे, तो यस, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, तो कभी इन बातों में मत आना, अपने आप लोग होंगे बहुत सुंदर बहुत टैलेंटेड, बट किसी का भी सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, तो प्लीज बी केयर। तो अब थोड़ा बढ़ते हैं फैंस की तरफ, क्योंकि फैंस ही एक शो को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, अगर फैंस का सपोर्ट है तो शो सुपर हिट हो जाता है, वरना 15 दिन में बंद भी हो जाता है। तो कुछ फैंस है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिन्होंने अपने वीडियो बना के भेजे अपना टाइम निकाल कर, तो उनके सवाल एक बार ले लेते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यस प्लीज। ए निहारिका, सिद्धांत हियर एंड आई एम फ्रॉम पुणे। मैंने आपको दंगल के शो में देखा था, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जरूरी है कि सोशल मीडिया पे पिक्चर या वीडियोस पोस्ट करते रहे ताकि हम नोटिस हो या हमें और काम मिले? थैंक यू। ओह, वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन है, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा शो देखा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको मैं क्यूट लगी उसके लिए और ज्यादा धन्यवाद आपका। और ये मैं कहना चाहूंगी कि आज के जमाने में ना इंस्टा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जितना नहीं होना चाहिए था। आजकल लोग डालते हैं कास्टिंग की रिक्वायरमेंट में, इतने फॉलोअर्स चाहिए तो म्यूजिक वीडियो मतलब तभी रीच आउट करें, तो एज एन एक्टर हमें मन होना हो हमें करना पड़ता है टू स्टे रेलिवेंट, बट टू स्टे रेलिवेंट मैं कभी कोई क्रिंज कंटेंट नहीं पोस्ट करती अपने इंस्टा पे, भले उसमें लाइक्स कम आए नहीं आए, बट आई फील इट इज इम्पॉर्टेंट दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज एन एक्टर हमें भी सोचना पड़ता है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। बट अगर आप बोलोगे कि टू स्टे रेलिवेंट आजकल लोग मांगते हैं, हाँ एक्चुअली पीपल आस्क फॉर इंस्टाग्राम नंबर्स, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, इट इज द रियलिटी कि आज जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको शायद एक्टिंग नहीं भी आती होगी, जिन्हें मैं अब बोलना नहीं चाहती, नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती, बट शायद बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, उन्हें आज बहुत ज्यादा काम मिलता है और बहुत हाई पर डेज पे मिलता है, जो शायद वो सिर्फ उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से। एंड टू बी ऑनेस्ट, नंबर्स आजकल तो आधे लोगों के फेक है, एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आधे लोगों के आधे फॉलोअर्स से फेक है, मैं ये नहीं कहूंगी सारे फेक है, लाइक्स फॉलोअर्स कॉमेंट्स आजकल सब खरीदे जा सकते हैं, बट मुझे खुशी है भाई हमारे कम है बट जितने रियल है, तो वो खुशी है उस बात।
2 लाख कम नहीं होते वैसे, और दूसरी बात ये कि अभी 1,000 ने अनफॉलो कर दिया यार, शो के बाद 199 के हो गए, करो फॉलो चलो। तो हाँ, ये चीजें आजकल जरूरी हो गई इंडस्ट्री में, पता नहीं क्यों हो गई है। अच्छे अच्छे एक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्धांत भाई, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। यस, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये भी तरकीब मेरे को बताओ। So cute, first of all, thank you so much, आप बहुत ज़्यादा cute हो, and I think आपके mom के expectations आपसे बिल्कुल सही हैं, because I think you can really do something big in your life, और acting करने का सबसे main I would say आपको यार यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। फर्स्टली आई थिंक यही बेस्ट रहता है। अभी तो छोटी है, तो घर पे कुछ एक्टिविटीज अभी तुम और सीखो एक्टिंग, और जब तुम्हें लगे नहीं एकदम एक्टिंग ही करनी है लाइफ में, बिकॉज बचपन में ऐसा होता है आपके ड्रीम्स कुछ और होते हैं, बड़े होकर आपको लगता है नहीं मैं ये नहीं करना चाहती, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो अभी इट्स वेरी अर्ली टू टेक अ डिसीजन, और अभी और सीखो, क्राफ्ट पे ध्यान दो, और थोड़ा और समझो कि एक्टिंग ही करना चाहती हो कि नहीं। उसके बाद जब कन्फर्म हो जाए तो फिर टेक्स्ट, और मैं रिप्लाई करती हूँ, आप सबको पता है चाहिए। तो मैं तो अपने फैंस को ये सजेस्ट करूंगी, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें पहले, आप साइड बाय साइड करते रहो, बट हाँ उस लेवल पे नहीं हो पाता, टू बी ऑनेस्ट, एक जगह आपका जाता ही, और स्पेशली आप लीड कर रहे हो फिर तो भूल ही जाओ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और ना हूँ। आपको नहीं करनी है तो मत करो, बाकी आप जिम्मेदार आपके फ्यूचर के। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So my name is Laish Nirmal. I'm from Maldives. Maldives, international fan. Question है कि आपके जो पुराना जो सीरियल था जो दंगल पे आता था आईना, उसमें आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया है और आपकी एक्टिंग को सराहना है, सैल्यूट टू योर एक्टिंग। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट वॉट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एक्टर, लाइक आप एक्टर एक्टिंग प्रोफेशन में क्यों आए? भाई काम अच्छा लगा, एक्टिंग अच्छी थी तो एक्टिंग में आएंगे ना, एक्टिंग अच्छी आती है तो थोड़ी ना बैंक में जॉब करेंगे। सॉरी, व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज यार आई डोंट नो, जब थिएटर में बैठती हूँ ना और जब एड्स भी चल रहे होते हैं आई गेट गूज़बम्स, मतलब थिएटर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके फूफू करने में मर्दानगी नहीं है। नहीं यार, जब मैं कोई मूवी के मूवी का जैसे ना ट्रेलर्स चलते हैं तो जितना एक्साइटमेंट मुझे मूवी एक्टिंग को लेकर है, आई डोंट थिंक सो मुझे और किसी भी चीज को लेकर है। जब सैड होती हूँ मूवी देखने चली जाती हूँ, तो इंस्पायर्ड नहीं, खुशी है मेरी एक्टिंग, तो जिस चीज में खुशी मिले यार वही करो लाइफ में। राइट, एग्जैक्टली। मुझे पानी पीना है, मैं आपका क्वेश्चन सुन के एकदम भावुक हो गई। जय श्री कृष्णा निहारिका जी, मेरा नाम अनिल है, मैं राजस्थान अजमेर से हूँ। मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, आप सिंगल है ना, तो मैं बताना चाहता हूँ मैं भी सिंगल हूँ, तो मेरे लिए कोई चांस है आपके पास? सही उम्र में आपकी शादी हो गई होती तो इतनी बेटी होती है आपकी। यार गुनाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा, और आपने मेरे इंटरव्यू में सुना कि मैं सिंगल हूँ, तो मैं आज इंटरव्यू में फिर कहना चाहती हूँ मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ। आई फील मैं पता कैसी हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, जब मैं कोई शो कर रही हूँ मैं एकदम उसमें घुस जाती हूँ, है ना। एंड आई फील जब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा मैं बिल्कुल उसी में मेरा और कहीं ध्यान नहीं लगेगा, तो मैं चाहती नहीं हूँ वैसा कुछ हो, बिकॉज मेरा ध्यान एक पॉइंट पे एक ही जगह लगती है, मिस दैट वे। अगर मेरा बंदा है ना तो पूरे 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 लोगों को पता होगा वो है, मतलब आप समझ रहे हो, मैं एकदम बहुत खुली किताब हूँ मैं, तो अभी आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग लाइक दैट। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत खराब रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ काम पर फोकस करना चाहती हूँ, एंड मम्मी पापा के पसंद के लड़के से बाद में शादी कर लूंगी। सो यस। तो आपको बहुत ही अच्छे से जवाब देके इन्होंने साइडलाइन कर दिया है, तो अगर सीधी सीधी बात की जाए तो नहीं, जवाब ऐसा नहीं, आई एम रिजेक्टिंग यू, आई एम जस्ट नॉट लुकिंग फॉर एनीवन राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय वर्क। इसको बोलते कवर करना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो खत्म हो गए फैंस के क्वेश्चंस। सो गाइस, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जिसके अंदर कुछ धार्मिक ग्रंथों से मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और अगर इनके जवाब आप सही देती है तो आपको मिलेगा डायनमो की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हेल्दी चीजें जो आपके बहुत काम आने वाली, तो सोच समझ के जवाब देना। जरूर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इजी से शुरू करते हैं, ये बताइए महाभारत की जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र।
वाओ, बहुत फास्ट जवाब दिया है, वैसे रैपिड फायर नहीं है लेकिन सोच के भी दे सकते हो। अगला क्वेश्चन अभी टफ होने वाला है, तो ये बताओ पांच पांडवों के नाम बताओ। पांच पांडवों के नाम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम। वाओ, एक बार में नकुल और सहदेव भी याद रह गए। हाँ। जो कि दिमाग से निकल जाते हैं क्योंकि महाभारत में भी ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ दिखाया नहीं उनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, श्री राम भगवान के जो भाई थे उनके हाँ। क्या नाम थे? चार भाई थे, पहले तो राम भगवान जी खुद, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और एक और है भरत। राइट, वेरी नाइस, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए शायद इजी होगा लेकिन कई लोग इसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के पांच नाम बता दो। कान्हा, कृष्णा, मुरलीधर, द्वारकाधीश, ग्वाला और मुरलीधर। बोल चुकी ना, पांच हो गए। वाह हो गए, वाओ, वेरी नाइस। तो गाइस देखो, धार्मिक होना भी बहुत जरूरी है। और अब मैं दे देता हूँ ये हैम्पर इनको, नहीं तो ये सोचेंगे कि बातों को खींच क्यों रहा है, हैम्पर का है। हैम्पर दो, हैम्पर दो। तो ये हैम्पर है डायनमो की तरफ से, जो आपको हेल्दी रखने में आपका साथ निभाता है, क्योंकि इसके अंदर है अलग अलग फ्लेवर के पीनट बटर है और टर्मरिक जिंजर टी है और बहुत सारे इसके अंदर कॉफी और सारी चीजें है जो कि कैफीन फ्री है, तो इसका एडिक्शन भी नहीं होता है और ये आपको हेल्दी भी रखता है। सो थैंक यू सो मच डायनमो फॉर दिस ब्यूटिफुल हैम्पर। और मैं जिम वगैरह ज्यादा नहीं करती टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं ट्राई करती हूँ टू ईट हेल्दी, जितना खाऊं अच्छा खाऊं, तो ये मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, हम लेंगे एक डायनमो ब्रेक जिसके अंदर हम टेस्ट करवाएंगे इनको डायनमो का पीनट बटर सैंडविच, क्योंकि वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, मेरा दिन उसके बिना निकलता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं डायनमो ब्रेक की तरफ। So, अभी हम ले रहे हैं डायनमो ब्रेक और निहारिका टेस्ट कर रही है पीनट बटर सैंडविच। मैंने खाना भी शुरू कर दिया गाइस, बिकॉज़ इट्स सो 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 नाइस। मतलब जो नॉर्मल पीनट बटर होता है इसमें बहुत सारा शुगर होता है और प्रोटीन शायद जीरो होता है, उससे भी बेटर है। लेट मी टेल यू, कितना प्रोटीन है इसमें? इसके अंदर प्रोटीन आपको मिल रहा है 6.4 ग्राम वन स्कूप में, तो बहुत अच्छा है। और मैं भी यूज करता हूँ यार, एनर्जी सोर्स है। और इतना दिन भर काम करते हो, मीठे की क्रेविंग होती है, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। यस, मीठे की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और भी चीजें इसके अंदर, सैंडविच खत्म करके देखना है या पहले? इट्स डन गाइस, वी हैव ग्रीन टी जो कि मैं पीती नहीं हूं, बट आई विल ट्राई दिस वन फॉर श्योर। एंड वी हैव पीनट बटर का एक और डब्बा जो मुझे बहुत काम आएगा। अलग फ्लेवर है। वाओ, अच्छा ये क्रंची है और ये क्या है? ये क्रंची है, अच्छा ये चॉकलेट है, नेचुरल। इसकी पैकेजिंग देखो, वाओ, बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है। आई थिंक आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। किया तो है। हाँ, मुझे किया, मैं कह रही हूँ आप आगे भी कर सकते हो, मतलब अपने फिटनेस फ्रीक जो फ्रेंड्स होते हैं। ब्लू पी टी, वाओ, ट्राई किया कभी? नहीं, मैं ट्राई करूंगी। मैं चाय नॉर्मल घर वाली पीती हूँ। सुना है इसके बारे में? नहीं, क्या होता है ये? एंटी एजिंग एंड एंटी एंजाइटी भी है। वाओ, ये तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में, एंटी एजिंग और एंटी एंजाइटी। परफेक्ट, अपने काम की चीज। ग्रीन कॉफी, आई लव कॉफी, तो माय गॉड, इट्स वेरी नाइस। मतलब पैकेजिंग भी इसकी इतनी अच्छी प्रीमियम है ना, जैसे होता है ना कुछ बहुत सारे हेल्दी ब्रांड्स हैं आजकल मार्केट में, बट अगर ये रखा होगा तो आई डेफिनेटली बाय दिस। तो पैकेजिंग तो कमाल है। एंड वी हैव व्हाट वी हैव, तुलसी ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स है। ये आपकी मम्मी को भी आप? डेफिनेटली, मैं पूरे घर वालों को ये पिलाने वाली हूं। ओ वाओ, थैंक यू सो मच डायनमो फॉर दिस लवली हैम्पर। थैंक यू सो मच डायनमो, आपने इतना खूबसूरत हैम्पर भेजा निहारिका के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे। अरे रुको रुको, आगे भी बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और आपको मिल सकता है बहुत ही अच्छा गिफ्ट हमारे स्पॉन्सर डायनमो की तरफ से। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताइए निहारिका किस शहर से है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस शो से करी थी। अगर आपने करेक्ट आंसर दे दिया तो गिफ्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो जल्दी से कमेंट में आपके आंसर लिख दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि पार्ट टू इस वीडियो का बहुत जल्दी आने वाला है और उसके अंदर होने वाली है एक्टिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। तो गाइस, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।